बॉलीवुड कैफे आज एक्सप्लेन कर रहा है एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर, जो हाल ही में 22 में रिलीज हुई है। मूवी के सेंट्रल कैरेक्टर में एक कपल हैं जिनकी मैरिज को कुछ साल हो गए हैं। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने एक फ्रेंड के घर पे पार्टी में जा रहे हैं। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे क्या, तो विक खुशी खुशी उसको हील पहना देता है। मेलिंडा विक को कहती है कि तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक को जैसे कुछ हर्ट हुआ और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ वो बिजी हो जाती हैं। इधर विक अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बातें करने के बाद में मेलिंडा को ढूंढता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जॉयल के साथ इंजॉय कर रही है और उसको किस भी कर रही है। ये देखकर मेलिंडा के हस्बैंड विक को दुख हुआ, लेकिन सरप्राइजिंगली अपनी बीवी को दूसरे किसी आदमी के साथ देखने के बाद में भी विक शॉक नहीं हुआ, उसको कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। विक के फ्रेंड भी विक को कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाती है, जिसको देख के विक के चेहरे की मुस्कान वापस लौट आती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ इन्वॉल्व थी, अभी उसी को पियानो बजाते हुए देख के विक बड़ा खुश हो रहा था। विक का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में जॉयल और विक दोनों बात करते हैं, तो जॉयल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है। पता है तुम्हें क्यों गायब है? तो जॉयल पूछता है कि क्यों, तो विक कहता है कि उसको मैंने मार डाला। अपने घर पे आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। आज बेबी सीटर के सामने ही मेलिंडा ने अपना टॉप उतार दिया है, तो विक बेबी सीटर को समझाता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राजीलियन है और वो काफी ओपन माइंडेड है, इसलिए तुम इस चीज को माइंड मत करना। तो मेलिंडा कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है, यहाँ पे लोग कितने रिजर्व रहते हैं। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और उसको पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता है। तो वो अपने हस्बैंड को काउंटर करते हुए पूछती है कि डू यू लाइक मी फॉर माई ब्रेन और समथिंग एल्स। वो कहती है कि मैं ब्रेन के लिए लड़कों को नहीं चॉइस करती हूँ, मैं प्लेजर के लिए करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे रूम में जाने के लिए कहती है, तब हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। ब्राजीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड की लाइफ बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है। वाइफ अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती है और हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार करता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो वो उसके लवर्स को धमकाता है और उन्हें उनसे दूर करने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी हेलिसीकल्चर यानी कि स्नेल्स को रेस करने में बिताता है। विक ने अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा स्नेल कल्चर के लिए रूम बना रखा है और यहाँ पर विक काफी टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी बहुत ही स्मार्ट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रेडॉक्स रिएक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और अपनी मदर के बीच में चल रहे कन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझती है। विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है, तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली, जो कि विक की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जॉयल टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तो कैली कहती है कि मजाक हो या सच हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर गया, अब जॉयल तुम्हारे घर के आसपास कभी फटकेगा नहीं। यही बात उसके दोस्तों को भी पता चलती है, तो विक कहता है कि देखो मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैंने तो जॉयल के साथ सिर्फ मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पे बहुत चिल्लाती है कि तुमने मेरे दोस्त को डरा धमका कर पार्टी से भगा दिया और मुझे तो लगता है कि तुमने मार्टिन का मर्डर किया हो। वो कहती है कि जॉयल को कल रात को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। वो जॉयल को अपने घर पे डिनर पे बुलाते हैं और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। विक को पता था कि वो जॉयल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, वो ट्रिक्सी के रूम में जाके उसको स्टोरी सुनाने लग जाती है।
जाता है तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ अजीब सा बिहेव क्यों करती है, मुझे ये आदमी जॉयल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, मैं मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है कि मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं तुम सो जाओ। उसके बाद में विक अपने ही घर में अपनी वाइफ के साथ जॉयल को मस्ती करता हुआ देखता है तो वो किचन में जाके कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज सुन के ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आने पर विक जॉयल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी वॉरी बोलने वाला हूँ नहीं, तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार मार के किया था। जॉयल और ज्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। मार्टिन को मारा था मैंने भी सुना, तो विक कहता है कि ये तो एक जोक था, तुम उसको इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। पार्टी में विक अपनी क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली के साथ डांस करता है, जिसको देखकर मेलिंडा काफी जेलस होती है और वापस जाते समय वो विक को प्लीज करती है। इसके बाद ये दोनों घर पे जाके पैशनेटली इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और वहाँ पर उसका टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम तो स्पेंड स्नेल कल्चर में बिताता था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए देखती है। आज मेलिंडा घर पे भी नहीं है, जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो भी नहीं पाया है। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर पे आती है तो विक उसको पूछता है कि कहाँ गई थी, तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि वो चार्ली के साथ है और वो उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। विक को तो ये पहले से ही पता था। मेलिंडा इतनी ब्लंट है कि वो अपने हस्बैंड को चार्ली के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताती है जिसको उसका हस्बैंड सुन भी नहीं सकता। वो कहती है कि क्या मैं बताऊं कि उसने मुझे कैसे खुश किया, उसने मेरे शरीर पे कहां कहां मार्क्स छोड़े, क्या जानना चाहते हो तुम? तो विक कहता है कि हमारी एक डॉटर है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा क्लियरली कहती है कि तुम्हारी चॉइस थी, फैमिली बनाना बच्चे पैदा करना वो तुम्हारी चॉइस। इससे क्लियरली ये लगता है कि मेलिंडा विक के साथ एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, लेकिन फैमिली बनाने का और बच्चे पैदा करने का प्लान विक ने बनाया था, इसलिए अब मेलिंडा उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन विक चाहता है कि वो सब एक फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे रहे, लेकिन मेलिंडा की इन हरकतों ने इस प्लान को चौपट कर दिया और अब ये फैमिली डीप वाटर्स में है, इनकी मैरिज डीप वाटर्स में है, इनके इमोशंस डीप वाटर्स में है, मेलिंडा का बिहेवियर डीप वाटर्स में है और विक का फ्रस्ट्रेशन डीप वाटर्स में। विक ने मनी मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आज विक के किसी और फ्रेंड के घर पे पार्टी है और सब लोग यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली भी आया है, जिसको देख के मेलिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पे चार्ली वहाँ पे पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी इंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को सर्च करने के लिए ऊपर जाता है तो वो देखता है कि मेलिंडा और चार्ली काफी इंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वहाँ पर भी काफी मस्ती कर रहे हैं, जिसको देख के विक का पारा चढ़ रहा होता है। अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को चार्ली के साथ मस्ती करते हुए देख के अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए बहुत खराब होने वाला है। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर सब लोग जब कुकीज इंजॉय कर रहे थे, तब मौका देख के विक चार्ली को स्विमिंग पूल के अंदर डुबो कर मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है, वो बाहर देखती है तो वो देखती है कि चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाती है, सब लोग मिलके उसको बाहर निकालते हैं, उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाता। डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है, डॉक्टर उसको डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पे सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इसको एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मान रही है, लेकिन डॉन जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था, वो अब विक पे डाउट करने लगा है। डॉन ने अब एक
प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पे नजर रखता है। विक इस आदमी को एक दिन अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इस इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर करती थी। तो वो अब डॉन के घर जाकर डॉन पर चिल्लाता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए कहो। डॉन की वाइफ कैली डॉन को माफी मांगने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगूं, मैंने क्या किया है। इस इवेंट के बाद में विक और डॉन के बीच में दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, मुसीबत उसकी बीवी थी जो अब एक अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। टोनी नाम का ये आदमी मेलिंडा का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में रीयूनाइट हो गए हैं, जिनको देख के विक के मन में जेलसी वापस से रीइग्नाइट हो गई है। इधर विक की डॉटर विक को कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। तो विक कहता है कि अगर तुम्हें पता है तो फिर ये बात अपने बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद में ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी से बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है और सुनता है कि मेलिंडा कह रही है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को इस बात की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बातें सुन के विक को ये बात समझ में आ गई कि वो ब्राजील जाने का प्लानिंग कर रही है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ में ले जाएगी और वो टोनी के साथ जाकर वापस अपनी नेटिव कंट्री ब्राजील में बसने का प्लान कर रही है। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और मेलिंडा के साथ लंच करके डांस करता है और उसके साथ काफी इंजॉय करता है। विक को ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख के आते हैं। इंसिस्ट करने पर टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पे जाते हैं और विक यहाँ पे काफी रफ कार चलाता है, जिसको देख के टोनी को बड़ा अजीब लगता है। अब ये दोनों हाइकिंग साइट पे नीचे उतर जाते हैं, टोनी थोड़ा आगे चला जाता है तो विक एक पत्थर उठा के टोनी के सर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कता लुढ़कता हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जाके मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है। विक टोनी की डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपने बेल्ट से बांधकर नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपने डॉगी के साथ वापस घर पे आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है। विक अपनी डॉटर के साथ यहाँ पे अब आराम से शांति से खाना एंजॉय कर रहा है। मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पे पिकनिक पे नहीं गए, वहाँ पे चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ हाइकिंग साइट पे पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पर विक अपने द्वारा ली हुई फोटोज को मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा की बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन था, जिसे देख के मेलिंडा बहुत खुश होती है और वो कहती है, तुम अकेले ही ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बावजूद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और वो काफी इमोशनल हो जाती। तभी विक देखता है कि उसकी डॉटर ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है, तो उसको लाने के लिए वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। अब विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसलिए वो वहाँ से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेके निकल जाता है, लेकिन जानबूझकर मेलिंडा का एक स्कार्फ वहाँ पे छोड़ देता है, जिसके बारे में मेलिंडा कार में पूछती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पे रह गया है। तो विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाके ले आऊंगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर मेलिंडा विक के साथ इंटीमेट होती है और विक को कई दिनों के बाद में ऐसा लगा कि शायद मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने के पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पे जाता है। मेलिंडा पीछे उठती है और विक को ढूंढती है और विक के स्मेल वाले रूम में पहुंचती है, जहां पर चेक करने पर वो देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पे रखा हुआ है, जिसको देख के वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा, इसलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पे विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तो वहां पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहां पे रह गया था। तो वो कहता है कि देखो स्कार्फ
तो मेरे पास है। और वो विक को बॉडी को पानी के अंदर धकेलते हुए देख लेता है और वो वहाँ से डर के मारे